मैंने बड़े लोगों से बात भी किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, आप नवाब से बात करवा दो, आप बोलोगे तो हो जाएंगे, आपको तुरंत बहुत आपको मानते हैं। मैंने लोगों से बात भी किया रॉन, मैं आप विश्वास करो हौसला हाई रख। सोनू सूद भाई कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं नमस्कार बहुत अच्छा हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं? मतलब आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल है, आई थिंक सोनू सूद के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये इतना ज्यादा एस्टैब्लिश हो गया है। इनफैक्ट जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर कहीं और दवाई नहीं मिलेगी तो सोनू सूद क्या मिल जाएगी। मेरे यहाँ नहीं मिलती मैं, पर लेकिन करके करवा जरूर देता हूँ। अभी एक मेडिसिन इनफैक्ट अभी वो किसी को नहीं मिल रही, तो मैंने एक दो लोगों को पहचान करके करवा दी, तो वो सब उनके घर पे पहुंच गए कि यार आपको मिल गई तो आप कहाँ से करवाओ। दे वर कॉलिंग मी कि यार सोनू अभी हम आपका नाम बोले कि ना बोले। रेड एफएम भी यही कहता है कि अपना हौसला हाई रख, हमारे इस कैंपेन का नाम, इस मुहिम का नाम पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पे रेड एफएम बजता है सुनाई देता है वहां पे हर कोई ऐसे हीरोज की बात कर रहा है या उनकी स्टोरी लोगों तक पहुंचा रहा है सोनू भाई, जो उस एरिया में या उस सोसाइटी में या उस बिल्डिंग में क्यों ना हो लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप आई थिंक पूरी कंट्री में लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सो अब तक ओवरऑल लॉकडाउन वन, लॉकडाउन टू, वेव वन, वेव टू कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत कमाल का था भाई। पहले लॉकडाउन में माइग्रेंट्स के दौरान करीबन मैं 10 लाख लोगों के करीब मैं जुड़ा था उन लोगों से, और फिर उनके बाद उनको नौकरियां दिलवाने का काम शुरू किया, फिर उनको रोजगार के बाद उनको जो तकलीफें थी एजुकेशन में उनके बच्चों की या लोगों की तकलीफें थी उनको एजुकेशन में दिलाना शुरू किया, फिर उनकी मेडिकल की जो प्रॉब्लम थी वो दिलानी शुरू की। तो लॉकडाउन जब पहला खत्म हुआ तो लोगों के लिए शायद जो गति थी वो धीमी हो गई थी, लेकिन मेरी गति बढ़ गई थी क्योंकि लॉकडाउन टू में नई तरह की मुश्किलें आई। हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, आईसीयू बेड्स की बात करें आप तो चैलेंजेस नए थे मेरे लिए, लेकिन बचाना जरूरी था लोगों की जाने जा रही थी। पहले लॉकडाउन में उतना नहीं था कि लोगों की जाने जा रही, तकलीफों में लोग जरूर थे माइग्रेंट से, लेकिन इस बार क्या हुआ बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रिच लोग जो अपना मतलब खुद मानते हैं कि उस सोसाइटी में बहुत बड़ा उनका नाम है, मुकाम है, उन लोगों को भी तकलीफें आई, तो जब उन लोगों के लिए दौड़ धूप शुरू हुई तो वो थमने का नाम नहीं लेते। आप अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे थे इस पूरे टाइम में? बिकॉज खुद का भी बीमार पड़ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीज था, खुद को फिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अब डॉक्टर भी ये बोल रहा है कि दवाई कहीं नहीं मिलेगी तो शायद सोनू सूद क्या मिल जाएगी, तो सोनू सूद तो बीमार नहीं पड़े ये सबसे प्रायोरिटी होनी थी, आई थिंक अभी भी होगी। सो हाउ कैसे आपने उसको मैनेज किया भाई? जब मैं कोविड पॉजिटिव मेरा आया था तब मैं और ज्यादा मसरूफ हो गया था, क्योंकि समय था, क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को, अलग से रूम में था तो 24 घंटे फोन पे था, कुछ और करने को था नहीं, तो ज्यादा लोगों की जान बचा पाया उस समय, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया। लेकिन जैसा आपने बोला कि समय कितना, समय नहीं, मैं वही सबसे बोलता हूँ कि 24 घंटे फोन बजता है, देश भर के कोने कोने से बजता है, नई नई तकलीफें, नई नई प्रॉब्लम्स लोगों की होती हैं उसके लिए बजता है, तो समय तो नहीं है फिलहाल, जब तक वापस जो स्थिति है सुधरती नहीं। कोई ऐसा जगह बची जहाँ से फोन नहीं आया आपको? नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं बची। त्रिपुरा से लेके आप नाम बोले, स्टेट बोले, डिस्ट्रिक्ट बोले, हर जगह से आया। मुझे हिंदुस्तान में नई नई चीजों के बारे में पता चला कि अच्छा ऐसी जगहों पे ये सब चीजें भी हैं, तो वो भी हम लोगों ने किया है। रात को भी बार 2:30-3 बजे हमें, मुझे याद है कि एक अचानक एक सिर्फ एक इमेज आपके व्हाट्सएप पे आती है, हाथ में उंगली पे ऑक्सीमीटर लगा हुआ और ऑक्सीजन 60 है ऑक्सीजन, कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं, कहाँ से आया, रैंडम नंबर से। तो रात को 2:30 बजे आप फोन कर देंगे, बस कहाँ से हो सर, मैं कोकटपल्ली नाम की एक जगह है वहाँ पे हूँ, आप मैं किसका है ऑक्सीजन लेवल किसका बता रहा है 60, फादर क्या, तो मैं कह लेके जाओ हॉस्पिटल के अंदर इसको, सर कोई हॉस्पिटल, मैं गरीब हूँ सर, मैं कहाँ लेके जाऊँगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास लेके जाने के लिए। तो अब रात को लोगों को भेजते हैं, हॉस्पिटल्स को जगाते हैं, डॉक्टर्स को जगाते हैं, उन्हें एडमिट करते हैं, आज ही उसको भेजी तो खुश से स्माइल करे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा एरिया जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई शक नहीं, उन लोगों की एक ऐसा विश्वास कि कुछ बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल किए सीधा एक फोटोग्राफ भेजते हैं और बोलते हैं कि आपको करना है, और हम लोग शायद ऊपर वाले की दुआ से कर पाते हैं। उस रिश्ते का मुझे पता नहीं कि क्या मैं उसको शक एक रूप नाम दूं, बट एक मजबूत रिश्ता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया होगा कि भाई जब इतनी सेवा कर रहे हो लोगों की तो पॉलिटिक्स में आ जाओ, तो क्या आंसर देते हो आप इसका? मैं अभी बोलता हूँ कि मैं ये सोच के नहीं मैंने मुझे किया कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, जो मैं अभी कर पा रहा हूँ शायद मैं पॉलिटिक्स में नहीं, शायद भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूछना नहीं पड़ता, कोई प्रोटोकॉल्स
होते हैं वो अपने आप ही मैं तोड़ भी देता हूँ, पहुंचा भी देता हूँ चीजें। और अगर शायद मैं पॉलिटिक्स में आएगा तो मैं आऊंगा तो मुझे बहुत लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा, मैं सोचना भी पड़ेगा मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दायरे जो है सीमाएं हैं वो बंद जाएंगी मेरी, इसलिए मैं अभी तैयार हूँ। और मे बी आई डोंट नो कि मे बी आज से 5-10 साल बाद क्या लिखा हुआ डेस्टिनी में मुझे पता नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। तो बहुत सारी अजीब रिक्वेस्ट भी आपको आई कि लॉकडाउन चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे स्टेट में है, सोनू भाई पहुंचा दो, तो इस पे क्या जवाब होता था? आप एक्शन लेते थे, इग्नोर कर देते थे ऐसे क्वेश्चंस? नहीं, मैंने बड़े लोगों से बात भी की है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, आप बाप से बात करवा दो, आप बोलोगे तो हो जाएंगे, आपको तो फिर बहुत आपको मानते हैं। मैंने लोगों से बात भी की है, रॉन्ग आप विश्वास करो, मैंने बात भी की है लोगों से ऐसी बात। अच्छा जी, मैंने दो परिवारों से बात भी की, प्रतापगढ़ यूपी के अंदर एक परिवार था और एक आरा बिहार के अंदर था जिनसे मैंने बात की थी। तो उनका वही कहना कि पेरेंट्स बोलते थे कि सर लड़का कुछ पढ़ता नहीं है कैसे शादी कर दे। मैंने बोलता था देखिए मैं शादी के लिए नहीं आपको बोल रहा हूँ, कल कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो आप मुझे मेरा कान खींचेंगे, पर मौका दीजिए। आई थिंक मुझे मेरा फर्ज था आपको फोन करना, मैंने किया, क्या आप देखिए। तो शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में 10-15% जो है घंटी बजी होगी और शायद अगर होगी तो बुला लेंगे शादी पे, नहीं होगी तो फिर गालियां तो तय ही हैं। नहीं वही होता है, जो 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 आगे लीड करता है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले गालियां उस पर पड़ती है। आई थिंक देखते हैं, अभी वेट करते हैं। आप जाना तो फिर आप ऑब्वियसली आप जाओगे तो उसके बारे में भी खबरें आएंगी कि सोनू सूद ने शादी तय भी करवाई और उस शादी में गए भी। चलिए देखते हैं क्या होता है उसमें। वेल भाई, बहुत सारे ऐसी भी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी भी रिक्वेस्ट आई होंगी जो बहुत ज्यादा आपको इमोशनल कर दी होंगी, हो सकता है आपको रोना भी आया हो, कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से? बीच में जो समय था 9-10 दिन जो बहुत मुश्किल समय था देश के लिए, बहुत लोगों की जाने जा रही, मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हुआ उस समय। अभी मुझे घंटे पहले पता चला है, लड़की थी रेनू ग्वालियर की लड़की, वो अपने फादर के लिए जो ब्लैक फंगस के लिए दवाई ढूंढ रही थी, हमने बड़ी मुश्किल से उसके लिए करवा रहे थे इंतजाम, और आज भी मैंने कुछ उनके लिए भिजवाने का इंतजाम किया था वहाँ पर और मैंने अपनी टीम को बोला करवाइए, तो पता चला उसके फादर की आज डेथ हो गई। तो ये दुख होता है कि आप एक जर्नी एक एक, एक इंसान के साथ ट्रैवल करते हैं बहुत साल, 20-25 दिन उनके साथ रोज डॉक्टर से मैं बात करता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनसे बात करता हूँ, उनको जोश दिलाता हूँ कि आप कोरोना की ऐसी तैसी आप बाहर निकलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बात कर भी नहीं पाते, शायद मुझे सुन पा रहे हो या देख पा रहे हो, लेकिन उनके परिवार वाले बोलते हैं कि आप इनसे बात कर लीजिए एक बार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपको देख पाएंगे या उनके ब्रेन से वो सिग्नल पहुंच पाएंगे तो शायद वापस आ जाएं। तो मैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बहुत दफ़ा बात करता हूं, रोज करता हूं लोगों से बात, पर वो लोग जब बीच में बाजी हार जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये वो परिवार था जिसके साथ मैं इतने समय से बड़ा इमोशनली जुड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं था मैं कभी इनसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, आज वो नहीं रहे तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कई बार डॉक्टर्स मुझे बता देते हैं कि सर इनके बचने के चांसेस नहीं है, तो आप परिवार को देखिए कैसे बताना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं रोज उनसे बातें करता हूँ, नहीं होगा विश्वास रखिए, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उनसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उनका जो फेथ है वो हमेशा उनसे बोलते हैं कि सुन भाई आपके साथ बहुत दुआएं हैं, आप प्रे करेंगे तो आपकी दुआएं जरूर सुन लेगा भगवान। एक बहुत इमोशनल चीज भी थी जो हमने नोटिस करी सोशल मीडिया पे कि आप डेली वो काउंट देते थे कि कितने कॉल्स आए और कितने कॉल को आप लोगों ने हेल्प किया और कितनों को नहीं हेल्प कर पाया, फिर धीरे धीरे वो रेशियो वो कम होता गया और फिर ज्यादातर लोगों तक मदद पहुंची। सो अभी भी ऑन एन एवरेज कितनी रिक्वेस्ट आती होंगी आपको देश के अलग अलग इलाकों से? अभी बीच में मेरे को 40-42 हज़ार आ रहे थे मैसेजेस, अभी करीबन 16-17 हज़ार तक काउंट आ गया है, विच इज 1/3, मुझे लगता है फिर भी अच्छा है। लेकिन अभी जो रिक्वेस्ट है वो उनके अंदर, देखिए मैं हमेशा वही बोलता हूँ, मदद जो है वो खत्म नहीं होती, सिर्फ नाम बदलते रहते हैं। पहले कभी रेमडेसिविर था, कभी टॉसिलिज़ुमैब था, कभी अभी ब्लैक फंगस की लाइपोसोमल है, इन उनके नाम बदल रहे हैं सिर्फ। वो एक बोलते हैं जैसे अपन हाईवे पे चलते हैं तो कैसे सड़क घूमने लगती है, मुझे सिर्फ वो घूमती ही सड़क दिखती है, लेकिन लोग अभी भी उतनी ही मुश्किलों में खड़े हुए दिखते हैं कि यार सर हुआ क्या, कुछ इंतजाम हुआ कैसे। हमने ये भी सुना है कि जो रिक्वेस्ट है अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, इनफैक्ट आपके घर पे जो दूध वाले भैया आते हैं उन तक भी लोगों ने बोला यार सोनू भाई से बोलो थोड़ा हेल्प कर दो, ऐसा हो रहा है क्या? बहुत हो रहा है। तो अभी तो दूध वाला अभी 5 मिनट पहले शिकायत करके गया कि सर मेरे को सामने वाली बिल्डिंग में पुलिस वाले रहते हैं, मुझे 2 दिन से फोन कर रहे हैं, तो अभी मुझे बोलते तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, अभी तुम्हारा फोन भी उठाना बंद कर दिया है। तो मैं बोलता हूँ कि सर मेरा फोन उठाने का समय नहीं मिलता, इतनी दुनिया खड़ी रहती है नीचे बात करने के लिए, मैं क्या करूँ सर। तो आई फील कि अगर मैं किसी एक को जवाब भी दे देता हूँ या मैं अगर किसी को टैग भी कर दूँ कहीं पे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे,
तो उसको सारा रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है कि आप प्लीज कैसे भी हमें कनेक्ट करवा दीजिए, मिलवा दीजिए, ये हमें चाहिए। तो वो एक बड़ा यू नो कठिन समय होता है। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, पिछले 3 से 4 दिन पहले एक कुछ खास मेडिसिन थी जो मिल नहीं रही थी किसी को, और मैंने वो किसी को दिलवा अपने थोड़े आप जैसे भाई लोगों से फोन करवा के मैंने उनका इंतजाम करवा दिया और पेशेंट को बच गया। तो जब लोगों को पता चला कि ये मेडिसिन जो 15-20 तारीख को लॉन्च होने वाली हिंदुस्तान में इसको सोनू ने दिलवा दी, तो सब उन लोगों ने उसको फोन करने शुरू किया कि बॉस हमारे भी पेशेंट्स हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमें बचाओ। और वो जो लड़की जिसको दिलाई हमने मेडिसिन, वो घबरा गई कि यार कहाँ से यू नो हम लोग अभी मैं क्या बोलूँ सर। बट आई फील कि राहुल भाई इस 2 सालों में हमने ये सीखा है कि हम लोगों ने बहुत रिश्ते बनाए पिछले 20-25 सालों में, आपने मैंने सबने बहुत रिश्ते बनाए। और अगर हम अपने फोन के थ्रू जाना शुरू करें और उन लोगों को जोड़ना शुरू करें तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो हम लोग नहीं अचीव कर सकते। बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप पे मीम्स भी बन रही हैं और बहुत सारा कुछ हो रहा है ऑनलाइन, तो उस पे कैसे रिएक्ट करते हो आप? मैं तो पॉजिटिव करता हूं। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, दो किस्से बताता हूं छोटे से। हम बैंगलोर में हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, किसी ने एक हॉस्पिटल था वहां पे ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे और किसी ने बोला कि यार ऑक्सीजन पहुंचा दी, वो तो ऐसा नाम तो जो हॉस्पिटल ही नहीं है। तो ऐसा यू नो एक शुरू हुआ था और 5 मिनट बाद वहां पे जिस बंदे ने लिखा था ऐसा ऑक्सीजन नहीं है, किसी बंदे ने वो हॉस्पिटल का पूरा वीडियो ऑक्सीजन जाने का नाम के साथ पूरा भेज के उसको टैग कर दिया। जबकि बॉस तुम बोल रहे हो खुद तो काम करते नहीं हो और दूसरों को करने नहीं देते हो, किसी ने वीडियो टैग किया और फिर उसी बंदे ने वापस एक मैसेज डाला कि हमसे गलती होगी भैया, सोनू भैया ऑक्सीजन पहुंचाए। लोग ये भी पूछ रहे हैं अगर सोनू सूद पे बायोपिक बनती है तो खुद उसमें एक्टिंग करना चाहेंगे या आपको लगता है कोई और कौन होना चाहिए उसमें? मुझे पता नहीं भाई, मैं इस लाइक कुछ अभी किया नहीं है कि बायोपिक बननी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में मैं आज से जब 18-19 साल 20 साल पहले आया था मुंबई में एक्टर बनने के लिए तो बड़ा खुशी होती थी कि बड़ी फिल्में मिली, अच्छी फिल्में मिली, 100 करोड़ का बिजनेस किया। पर अभी जो लगता है कि जो एक्चुअल रियल की जो फिल्म हमने पूरी दुनिया ने साथ में देखी है मिलकर, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट किरदार मुझे निभाने का मौका मिला और उसके जो डायरेक्टर थे ऊपर वाला था जो डायरेक्ट कर रहे थे, और वो इस किरदार से मैं बेहतर किरदार कभी दोबारा नहीं कर पाऊंगा, जो भी करेंगे इससे कम ही होगा। तो आई फील बेस्ट कि मुझे मौका मिला लोगों को दिल को छूने का। सोनू भाई, रेड एफएम का कैंपेन है जहां पर रेड एफएम कहता है हौसला हाई रख, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी रेड एफएम सुनाई देता है वहां हम लोगों की स्टोरीज पहुंचा रहे हैं लोगों तक, वो लोग जो अपने अपने लेवल पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोग अपने ही गांव में 4 लोगों की मदद कर रहे हैं, सो हौसला हाई रखना कितना जरूरी है इस कैंपेन के बारे में, और इस कैंपेन के थ्रू जो ऐसे हीरोज हैं हमारे वॉरियर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कल मुझे एक डॉक्टर ने बोला फोन करके, सर दो लोग बाईपैप पे और एक वेंटिलेटर पे, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं 1 मिनट के लिए आपको वीडियो कॉल करके उन सबसे आप अगर कुछ अच्छी बात करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आपके पास उनके। मैंने वीडियो कॉल पे बात किया और उनसे यही बोला कि कोरोना की और ऐसी की तैसी, आप यू नो अपना मतलब जो जुनून बरकरार रखो, आई थिंक हौसला हाई रखो, जैसे आपने बोला कि हौसला जो है भाई रखो अपने आप को जिंदगी में, तो ही आप जिंदगी में जो जंग है मुश्किल समय से लड़ सकते हैं। मुश्किल में हर कोई इंसान है, इससे बेहतर कोई कैंपेन नहीं हो सकता। आई फील कि एवरीवन शुड रिलेट टू इट एंड एवरीवन मस्ट हैव रिलेटेड टू इट समहाउ पिछले कुछ दिनों। सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू वेरी मच सोनू भाई हमसे बात करने के लिए। और मैं चाहता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सवाल है वो भी जरूर आप पूछ सकते हैं। अगली बार जब आपसे बात होगी तो उन सवालों की भी लिस्ट बना के हम आपसे बातचीत करेंगे। और आपने जो हौसला हाई रखने का मैसेज दिया है, प्लस आपने भी इतने लोगों का हौसला जो हाई रखा है, उसके लिए आपको भी थैंक यू एंड सैल्यूट सोनू भाई। हौसला हाई रखा।